हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इसके पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी के बारे में समझ लिया था, जिसमें काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन क्या होती है, तो द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो मोशन में हो, ठीक है, जब वो स्पीड उनके अंदर कुछ स्पीड हो, ठीक है, उस टाइम जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं तो उस टाइम उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कि मूविंग कार, तो वो भी एक काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, ठीक है, उस टाइम एट अ टाइम, यानी कि जब मूविंग हो रही है उस टाइम, ठीक है। अब हमें समझना है, उसके बाद हमने डेरिवेशन भी उसका देखा था और उसके थ्रू कौन सा फॉर्मूला मिला था काइनेटिक एनर्जी का, तो E इज इक्वल टू 1/2 mv² m मीन्स मास और v मीन्स वेलोसिटी, ठीक है। अब हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन क्या होगी, तो पहले वो देख लेते हैं। तो क्या होगी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, वहां पे क्या था, ड्यू टू इट्स मोशन, यहां पर है ड्यू टू इट्स पोजिशन और अ चेंज इन शेप इज कॉल्ड या फिर इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजिशन में है या फिर कोई ऑब्जेक्ट के शेप हम कोई फोर्स अप्लाई करके चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम उस वर्क के थ्रू जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रही है या फिर जो एनर्जी इसके अंदर आ रही है वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नॉर्मली ये पहले भी मैंने बोला हुआ है कि जब कोई एक सेम मास वाले, मान लो कि 3-4 स्टोन है, उसे हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर से क्या कर रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं। मान लो कि ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, ग्राउंड है, और थोड़ा सैंडी ग्राउंड ले रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब उसे डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर से, मान लो कि ये ए पोजिशन है, ये बी पोजिशन है और सी पोजिशन, ठीक है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट हाइट पर से उसे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि किसके थ्रू बड़ा खड्डा बनने वाला है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो जिसकी हाइट, जिस स्टोन की हाइट सबसे ज्यादा होगी उसमें, उसके थ्रू जो यहाँ पर ग्राउंड पर जो खड्डा बनेगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा। बट हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी इससे कैसे समझेंगे हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कोई पर्टिकुलर अर्थ के ग्राउंड पर से हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर पोजीशन प्रोवाइड की है, ठीक है, और वो पोजीशन हमने, उस पोजीशन के लिए उसके ऊपर कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमारे थ्रू क्या हो रहा है, उसके ऊपर फोर्स लगाया गया और वही फोर्स के थ्रू हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब ये फोर्स भी लग रहा है और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी आ रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर सपोज कर लो ये अभी यहाँ पर था स्टोन, ठीक है, अब इससे मैंने उठाया तो मेरे थ्रू इसके ऊपर फोर्स लगा, ठीक है, और अब धीरे धीरे ये पोजीशन पर आने के लिए मैंने क्या किया, मान लो कि ये एच हाइट जितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो अब इसके थ्रू मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक वर्क कर रहा हूँ, और वही वर्क इस ए वाले स्टोन के ऊपर या फिर ए वाली पोजीशन का जो स्टोन है उसके अंदर वो वर्क कौन से फॉर्म में, कौन सी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो वो और कुछ नहीं बट पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर होता है, ठीक है, या फिर उस टाइम जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर हुई वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसी तरह बी के लिए, तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर हर एक का आप हाइट देख सकते हैं, तो इसमें किसका हाइट सबसे ज्यादा है, सी वाले का, तो इसकी वजह से जब उसके अंदर का जो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है, तो जब इसे हम रिलीज करते हैं, इसे हम यहाँ से रिमूव रिलीज करते हैं, तो वो फ्री फॉल होने लगेगा और इसी की वजह से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, और वही काइनेटिक एनर्जी से जो फोर्स उसे लगता है वो फोर्स ही क्या करता है, यहाँ पर एक खड्डा बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो लिखा है कि इट्स पोजीशन, तो जब बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन हम शो करते हैं या फिर वर्क के थ्रू जो पोजीशन देते हैं, इसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। या फिर दूसरी हम बात करें चेंज इन शेप के अकॉर्डिंग, तो जो रबर बैंड होती है, तो रबर बैंड को हमें एक हाथ से पकड़ना है, ठीक है, और दूसरे हाथ से क्या करना है, उसे स्ट्रेच करना है।
तो अब हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के उसे क्या किया, स्ट्रेस किया, इट मींस उसकी उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब ये स्ट्रेस करने की वजह से अब उसका शेप कैसा हो गया, चेंज हो गया। तो हमारे थ्रू जो वर्क हुआ है वो वर्क उस बॉडी के अंदर यानी कि उस रबर बैंड के अंदर कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और जैसे ही हम उसे रिलीज कर देंगे तो फटाक से वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होकर अपनी मेन पोजीशन गेन कर लेती है, ठीक है। कौन, तो रबर बैंड, ठीक है। तो आप ये भी समझ चुके होंगे कि चेंज इन शेप के अकॉर्डिंग कैसे पोटेंशियल एनर्जी उनके अंदर स्टोर होती है और पोजीशन के अकॉर्डिंग भी कैसे स्टोर होती रहेगी, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की डिफाइन। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और अ चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और शॉर्ट में आपको याद रखना है तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझनी है, वो बाद में देखते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। और कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि वाटर कैप्ड इन डैम, तो जैसे डैम से डैम्स के अंदर पानी भरा होता है तो वो एक्चुअली रेस्ट पोजीशन में है ना, ठीक है। तो अब उस पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो उस टाइम रेस्ट पोजीशन है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब जब उसे टर्बाइन पर उस पानी को थ्रो किया जाता है, क्यों, क्योंकि उस टर्बाइन के थ्रू हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तो उस टाइम होगा क्या कि जब उसे रिलीज किया जा रहा है, उस डैम में से पानी को जब रिलीज किया जाएगा तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अब कन्वर्ट होने लगती है काइनेटिक एनर्जी, और वही काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वो टर्बाइन के ब्लेड पर फॉल्स होती है या फिर उसके थ्रू उसे फोर्स मिलता है टर्बाइन के ब्लेड को, ठीक है। और वही टर्बाइन फिर जनरेटर के साथ अटैच होता है और जनरेटर के थ्रू वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकसिटी में, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर हमें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल आप पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिख सकते हैं, वाटर कैप्टेन डैम। तो इसके लिए यहाँ पे मीनिंग की इट कैन रोटेट टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबाउट द ग्राउंड, क्यों, क्योंकि जो डैम्स की हाइट भी होती है, क्योंकि इसके अंदर पानी स्टोर किया है तो सरफेस के अकॉर्डिंग वो कुछ हाइट पर पानी स्टोर हुआ है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली इसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होने वाली है और वही एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है बैंड स्ट्रिंग टू ऑफ ब्लो। तो इसमें जो स्ट्रेस की हुई ब्लो यानी कि धनुष, ठीक है, तो उसका जो एरो होता है तो उसकी उसके पीछे भी इस तरह रबर जैसा या फिर एक स्ट्रिंग होगी, बैंड स्ट्रिंग। तो जब उसे हम खींचते हैं तो वो स्ट्रिंग क्या होगी, बैंड होने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसके थ्रू भी उसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब उसे हम रिलीज कर देंगे तब जाके वो क्या होगा, एक मोशन में आ जाता है वो एरो क्या हो जाता है, शूट हो जाता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स शेप रिलीज्ड इन द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वाइल शूटिंग एन एरो, ठीक है। तो इस बैंड वाली यानी कि बैंड वाली ये एग्जाम्पल कौन सी क्या बता रहा है, तो चेंज ऑफ इट्स शेप यानी बॉडी का शेप जब चेंज करते हैं तब भी उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। शॉर्ट में यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ स्पीड नहीं है, ठीक है। वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार, तो वो की वाले जो टॉय कार आते हैं, ठीक है, ऐसे 3-4 या 5 टाइम हम कीज जो होती है वो अपने बचपन में टॉय कार से ऐसी टॉय कार से खेला होगा, ठीक है। तो वो हम कीज उसकी ऐसे घुमाते 3-4 बार, ठीक है, तो इसकी वजह से, और जब उसे छोड़ दोगे तो क्या होगा, वो फिर अपने आप
मोशन में आने लगता है, या फिर ऐसे भी गाड़ी टॉय कार होगी जो ऐसे पीछे की ओर हम ऐसे उसे खिसकते हैं, ठीक है, ठीके? और फिर उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो आगे की ओर मूव होने का स्टार्ट कर देता है। तो उसके अंदर होता क्या है, तो एक स्प्रिंग होती है, जब उसे हम इस तरह से पीछे की ओर खींचते हैं या फिर उसे की हम लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उसके अंदर स्प्रिंग क्या होती है, वाउंड होती है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा वाउंड हो गए तो उतनी उसकी जो मोशन की सॉरी जो उसकी डिस्टेंस होगी टॉय कार की वो क्या होगी, ज़्यादा कवर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं, वाउंड अप स्प्रिंग ऑफ अ टॉय कार। तो इसमें होगा क्या कि इट पॉसिस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो किसकी वजह से पॉसिस होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब हम स्प्रिंग जो वाउंड स्प्रिंग है उसे क्या करें, उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से और भी उसे छोटा बना रहे हैं, ठीक है। पहले जो यानी कि मान लो कि जब रेस्ट पोजीशन में होता है, मान लो कि इस तरह का वाउंड था, ठीक है, और जब उसे हम कीज ऐसे करते हैं तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, ठीक है। तो अब उसे जब रिलीज किया जाता है तो उस टाइम क्या होगा कि वो फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आने का ट्राई करेगा, तो इसकी वजह से उसके साथ टायर्स कनेक्टेड है, तो इसकी वजह से वो टॉय कार क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। और विच इज रिलीज ड्यूरिंग अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग यानी कि ये जो पोजीशन है वो अनवाइंडिंग है और ये वाली वाइंडिंग वाली पोजीशन है, तो अनवाइंडिंग ऑफ स्प्रिंग एंड सो टॉय कार इज मूव्स, और इसी की वजह से टॉय कार क्या होती है, मूव होती है, ठीक है। तो आप ये इस तरह से एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, यानी कि कोई पर्टिकुलर ग्राउंड सरफेस से पर्टिकुलर हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें देखना है। बट इसके पहले हमें समझना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो आपको ये वाला एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये डिफाइन बहुत ही इजी हो जाएगी। देखते हैं पहले इसकी डिफाइन क्या बोला है कि द वर्क डन इन रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड टू अ सर्टेन हाइट अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हमें कोई पर्टिकुलर हाइट पर रेज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और फोर्स अप्लाई करके उसे एज जितना डिस्प्लेस करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है तो इट्स लाइक हम हमारे थ्रू क्या हो रहा है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। और ये वर्क आप देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसे ग्राउंड से कुछ हाइट पर रेज कर रहे हैं, यानी कि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क करवा रहे हैं। क्या है ये, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का लग रहा था उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट हम उसे उसके ऊपर वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, उसे रेज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ऐसे पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि द वर्क डन इज रेजिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसके ऊपर हमें उसे कोई पर्टिकुलर हाइट पर रेज करना है तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और वह वर्क क्या होता है, सर्टेन हाइट के लिए हमने यानी कि एच हाइट के लिए किया, ठीक है। बट ये वर्क किसके अगेंस्ट किया, अगेंस्ट ग्रेविटी, तो इसे ही क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। अब इसके थ्रू हमें समझना है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि पर्टिकुलर ग्राउंड के अकॉर्डिंग कोई एच हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, या फिर उस एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखते हैं, तो ये इसके लिए आपको ये फिगर ड्रॉ आउट करनी होगी। जब आपको मान लो कि डेरिवेशन आए तो ये डेरिवेशन के लिए आप ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर ड्रॉ आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है क्या कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट या बॉडी ली है जिसका मास क्या है, एम है, इज रेज्ड टू अ हाइट स्मॉल एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस। हमने क्या किया, सरफेस अर्थ सरफेस से कोई पर्टिकुलर एच हाइट पर उसे रेज किया है, और वो भी किसके थ्रू, यानी कि किसके अगेंस्ट, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ,
तो अब उसके साथ साथ इस ऑब्जेक्ट को हम उस ऊपर की ओर तो ले जा रहे हैं, बट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। तो जैसे हम मान लो कि बीच में से कहीं से रिलीज कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वहीं पर आकर अटक जाएगा, यानी कि रुक जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से अब उसके साथ साथ उसे पुल भी कर रहा है। तो अब ये जो पुल करता होगा वो कितना फोर्स होगा, तो वो कितना होगा उसके वेट के इक्वल टू ही बनेगा, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल में भी समझा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, तो उसके वेट के इक्वल टू। और वो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी जितना ही फोर्स उसको पुल करता रहेगा, ठीक है, एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब बट हमने किया क्या है, हमने तो लिफ्ट किया है। टू लिफ्ट द बॉडी वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो अब ये जो वर्क हुआ, तो वो वर्क हो रहा है इसकी वजह से हम वर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो है वो कौन से फॉर्म में हमें यहाँ पर मिलेगा, तो वो मिलेगा उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल टू। क्यों, तो अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, कि मुझे ये ऑब्जेक्ट को रेज करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये उस सरफेस से रेज हो सके, उस सरफेस से रिमूव हो सके। ठीक है, तो वो कितना फोर्स होगा, तो उस मिनिमम फोर्स होगा उसके वेट के जितना, यानी कितना, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी जितना। तो वो उतना ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं उसे पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पर उसे ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसकी वजह से यहाँ एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, एम जी बनेगा। ठीक है, और मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया उसके अंदर, तो एच जितना। तो यहाँ एस की जगह क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम जी एच। तो इतना मैंने वर्क किया एक एच सर्टेन हाइट एच पर ले जाने के लिए। अब ये जो वर्क हुआ वो कौन से फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है वो और कोई नहीं बट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन द बॉडी एज पोटेंशियल एनर्जी। तो सो देयरफॉर ईपी, ईपी का मतलब होगा पोटेंशियल, पी मींस पोटेंशियल, ई मींस एनर्जी, ईपी इज इक्वल टू एम जी एच। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसे बोला जाता है। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, कि आपको मैंने यहाँ पर एक फिगर, दो फिगर ड्रॉ आउट करके दिखाई है। ओके, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट है, उसे मैं पाथ वन, यानी कि आप देख सकते हैं, उसे मैंने दोनों को पर्टिकुलर एच एच हाइट पर मैंने रेज किया हुआ है, बट उन दोनों को एच हाइट पर लाने के लिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट पाथ चूज की है। ठीक है, एक जो पाथ है वो क्या है, एकदम स्ट्रेटली मैं उसे एच हाइट पर ले जा रहा हूं। ठीक है, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट, उसे मैं क्या कर रहा हूं, पहले थोड़ा ऐसे ऊपर ले गया, फिर उसे स्लाइटली ऐसे साइड में मूव करवाया, फिर से स्ट्रेट, फिर से ऐसे स्लाइटली साइड में मूव करवाया, और बाद में मैं स्ट्रेट कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के पाथ तो क्या हुए, डिस्टेंस डिफरेंट हुए। ठीक है, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन ये है हमारा, कि इन दोनों की ये पाथ के अकॉर्डिंग अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या सेम बनेगी, या फिर दोनों की डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। तो आंसर क्या आएगा हमारा, तो हमने अभी उसका फॉर्मूला देखा कि ईपी इज इक्वल टू एम जी एच, आप देख सकते हैं। तो आप यहां पर दोनों की हाइट देखो, दोनों की हाइट तो क्या है, सेम है। तो हमें तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड करती नहीं है। ठीक है, और ओनली फॉर, यानी कि किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यहां पर हम सपोज कर ले इन दोनों का मास तो एम ही है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों पर सेम ही लगेगा, तो देख सकते हैं कि हाइट पर अब हमें देखना है, तो दोनों की हाइट भी सेम है। तो इसकी वजह से ये ए और बी ऑब्जेक्ट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसी स्टोर होगी, सेम स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसपोर्ट, एक एनर्जी में से
एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी में कन्वर्टेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी किसे बोलेंगे? तो द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि जो हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, ये आपको पता भी होगा। जैसे हमने अभी डैम के बारे में बात किया था कि जो पानी रेस्ट पोजीशन में उसके अंदर होता है, पर्टिकुलर ग्राउंड से पर्टिकुलर एच हाइट पर वो स्टोर किया हुआ है। इसकी वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी उस पानी के अंदर होती है। ठीक है, और वही पोटेंशियल एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं जब उसे कोई पर्टिकुलर पाइप के थ्रू टर्बाइन पर फॉल्स कर किया जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पानी कौन से एनर्जी में कन्वर्ट हो, पानी के अंदर एनर्जी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? तो काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और वही काइनेटिक एनर्जी जब टरबाइन पर आती है तो उसके थ्रू हमें क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या समझना है कि किस किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है एनर्जी की। ठीक है, इसी तरह आप जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर फूड बनाने के लिए, ठीक है, तो उसमें भी जो लाइट एनर्जी है ना, तो वही लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके क्या करता है? तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और वही केमिकल एनर्जी का यूज करके वो अपने रॉ मटेरियल को ब्रेक डाउन करके फूड बनाता है। ठीक है, तो वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी देखते हैं कि जैसे कि थर्मल पावर प्लांट यानी कि जो हीट एनर्जी, थर्मल मीन्स नॉर्मल, इसे बोलना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसे दूसरे नाम से थर्मल भी बोलेंगे। एट थर्मल पावर प्लांट केमिकल एनर्जी ऑफ कॉल, तो यानी कि ये थर्मल पावर प्लांट के थ्रू भी क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ठीक है, बट इसमें क्या यूज किया जाएगा? कॉल यूज किया जाता है, तो कॉल को वहां पर बर्न करना पड़ेगा, यानी कि बर्न करते ही यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, तो वहां पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कॉल के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि वहां पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल के अंदर कौन सी एनर्जी रही मौजूद है? केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी ऑफ द कॉल इज चेंज इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि जब उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो किस कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में। ठीक है, और विच इज फर्दर कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वही हीट एनर्जी कहाँ पर रिलीज की जाती है? तो वाटर यानी कि पानी को बॉइल करने के लिए। ठीक है, और फिर बॉईल करके वो पानी है वो वेपर बन जाएगा और उसे फास्टली टरबाइन पर थ्रो किया जाता है। ठीक है, और इसी की वजह से वो वेपर के अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, और बाद में वो फिर कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने अभी आपको समझाया फोटोसिंथेसिस वाला, तो प्लांट यूज सोलार एनर्जी। ठीक है, और उसी के थ्रू टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड एंड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये बात थी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए। अब हम समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन समझा ना एनर्जी का, तो उसके थ्रू हमें पता चला कि भाई जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसे हम एक एक एनर्जी में से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम उसे ओनली फॉर कन्वर्ट ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मिल रही है तो वो हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की। जैसे कि ये दोनों कंडीशन में, जो हाइड्रो पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट में, लास्ट में क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट वो ओनली फॉर एक एनर्जी में से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो जो भी एनर्जी इस तरह से कन्वर्ट हो रही है तो वो हम इस ऐसा बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है वो ओनली फॉर एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो उसे हम
क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लॉ है वो किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट पहले, कि एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, एंड इट कैन नाइदर टू नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। तो ओनली फॉर एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, ना तो हम उसे क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ व्हेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म्ड द टोटल एनर्जी रिमेन सेम, और ये पूरे जो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, एक में से दूसरे में, तो सारी जो टोटल एनर्जी इनकी बनेगी, जैसे कि मान लो कि एक साइड पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो ये जो ट्रांसफॉर्म के पहले और ट्रांसफॉर्म के बाद जो एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। वो हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां पर, ओके। और इसके साथ साथ अब यहां पर हमें समझना है इसी का ही एग्जाम्पल, कि कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, जब कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ठीक है, तो उस टाइम उसके अंदर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी किस तरह से हम होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है इसके पहले मैकेनिकल एनर्जी किसे बोला जाता है, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी और कुछ नहीं है बट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये कंडीशन कब बनेगी, यानी कि जब इस टाइम, यानी कि जब पोटेंशियल, यानी कि दोनों एनर्जी इसके साथ कन्वर्ट, यानी कि कन्वर्ट हो रही हो, ठीक है, पोटेंशियल और काइनेटिक, तो उस टाइम क्या बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी बनने वाली है, या फिर शॉर्ट में बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है उसे ही क्या बोला जाता है, कौन सी एनर्जी से रिप्रेजेंट किया है, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो उसकी शॉर्ट में आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि के इज इक्वल टू पी, के प्लस पी इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। के का फॉर्मूला होता है 1/2 mE², पी का हमने अभी देखा MgH, और उस दोनों की जो वैल्यू होती है ड्यूरिंग फ्री फॉल वो क्या होगा, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। वो कैसे होता है वो देखते हैं इसके थ्रू। इसके पहले ये स्टेटमेंट देख लो, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल, ठीक है। तो ये सेम बोला, इट्स लाइक यहाँ पर किस तरह रिप्रेजेंट किया है मैंने, कांस्टेंट से। तो अब ये कांस्टेंट कैसे रहता है वो अब हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। कि सपोज कर लो कि हमने कोई बॉल को पर्टिकुलर एच हाइट पर उसे पकड़ के रखा है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है, ओके, और उसे हम क्या कर रहे हैं, अब एक टाइम छोड़ रहे हैं, रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो अब रिलीज करने की वजह से उसकी जो मोशन है उसकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम उसकी पॉइंट यहाँ पर दिखाई हुए, और लास्ट में क्या है कि वो ग्राउंड पर क्या होगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो वो वाली पोजीशन। अब हमें ये पूरी कंडीशन, यानी कि ये पूरी सिचुएशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमने सपोज की है, ठीक है, और उन दोनों का प्लस, यहाँ पर हम मैकेनिकल एनर्जी प्लस होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो अब वो आप देख सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, वो दोनों का कांस्टेंट है, जो यहाँ पर भी मैंने लिखा है, और आप ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, इस लाइक यानी कि क्या, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं अब होगा क्या, कि सपोज कर लो कि जब हमने रेस्ट पोजीशन, बॉल हमारे हाथ में था तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, कुछ सर्टेन हाइट पर हमने उसे ले गए हैं, इसकी वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है या फिर जो एनर्जी उसके अंदर आई है वो कितनी हुई है, तो 20 joule, ठीक है। अब ये रेस्ट पोजीशन में है तो उसके अंदर कुछ स्पीड तो है ही नहीं, तो उस टाइम उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 joule होगी, ठीक है। तो अब टोटल उसका क्या होगा, 20 joule बनेगा कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलीज करने की वजह से आप देख सकते हैं पोजीशन बी सी एंड डी वो फॉलिंग पोजीशन है, बॉल की कौन सी पोजीशन है, फॉलिंग पोजीशन, बीच बीच की में हमने यहां पर दिखाई हुई, और ई वाली पोजीशन जो ग्राउंड पर स्ट्राइक हो रहा है
उस टाइम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते कि अब ये स्लो, यानी कि अब क्या होगा, उसके अंदर कुछ स्पीड आएगी, ठीक है, या फिर वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वही कन्वर्ट हो रही है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो इसकी वजह से अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे क्या होने वाली है, कम होने वाली है, और ये जो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बी पोजीशन में यहां पर हमने सपोज किया कि 15 जूल उसकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बन रही है, 5 जूल क्या बन रहा है उसका पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसकी वजह से अब उसका भी सम क्या होगा, 20 जूल होगा। इसी तरह सी पोजीशन, तो सी पोजीशन में भी आप देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, 10 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो भी 10 जूल है, ठीक है। 5-5 का हमने डिफरेंस लिया हुआ है। तो इसकी वजह से अब उसकी भी जो मैकेनिकल एनर्जी या फिर जो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट ही बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह अब क्या होगा, और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे जब जैसे जैसे ग्राउंड के नजदीक आता जाएगा वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने वाली है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। वो तो ऑब्वियसली एक सिंपल ही बात है, ठीक है। तो ये 5 जूल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 जूल हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का सम भी कितना रहेगा, सेम रहेगा। अब जब वो एग्जैक्ट जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब वो ऐसे एट अ टाइम जब ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रहा है, उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और उस टाइम जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। कब, जब वो एट अ टाइम स्ट्राइक हो रहा है या हीट कर रहा है ग्राउंड को, तब बस जैसे कि हीट करके स्टॉप हो गया तो उसके अंदर फिर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी और वो क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्राइक हो रहा है उस टाइम की उसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो गई, मैक्सिमम, ठीक है। और इन दोनों का प्लस करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी भी क्या मिलने वाली है, मैक्सिमम मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो जब पर्टिकुलर हाइट पर से, सर्टेन हाइट पर से कोई ऑब्जेक्ट को गिराते हैं, फ्री फॉलिंग करते हैं, तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रिमेन सेम रहती है, ठीक है। और उससे उस सम को क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये एग्जांपल के थ्रू ये वाला जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था वो आप समझ चुके होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो एयर रेजिस्ट है वो निगलेबल सपोज किया है, ठीक है, वरना तो क्या होगा, एयर रेजिस्टर की वजह से वहां पर भी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। तो वो एयर रेजिस्टेंस या फिर एयर फ्रिक्शन हमने निगलेबल माना है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, ठीक है। तो आज हमने ये लॉ समझा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा, ठीक है, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो और उसका फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू।